दोस्तों मस्त पीछे जो मेरे घर है आइंस्टाइन का घर है। तो अगर इनकी कंपनी के मैनेजर्स देख रहे हैं तो बता दूं ये छोड़ने वाले हैं। दोस्तों अभी हम आए हैं ट्रेल पे और भाई बता रहे भालू की कहानी। तो हम ट्रेल पे जा रहे थे, सामने से भालू आ गया। भालू ने हमें देखा, हमने भालू को देखा, फिर आंखें मिली, फिर भालू ने और फिर दोनों ने गाना गाया, छू लो ना मुझे तुम कभी। हाँ फिर बस मौत दिख गई थी। फिर भालू निकल गया जंगल में, हम बच गए। अच्छा और अगर भालू आता आपकी तरफ तो आपका क्या प्लान था बताना जरा। पता नहीं, एक ही बचता है तो भालू बचता है, फिर बड़ा भालू बचता। नहीं नहीं और आपने अभी जो मेरे को बताया क्या था, भालू का आता है अगर वो आए तो प्ले डेड। हाँ तो मतलब नीचे लाश की तरह लेट जाओ। हाँ वो आके तुम्हें हिलाएगा। हाँ हिलाने के बाद छोड़ देगा। हाँ अगर उसका मन करेगा तो। हाँ तो और मारेगा। हाँ मतलब आपको बर्दाश्त करना है दर्द बहुत ज्यादा। हाँ पर जान से जान मरने से कम दर्द है वो। सही है। तो दोस्तों जिस जिसको भालू से बचना है आप अभी से थिएटर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भालू को आपको एक एक्टिंग दिखानी है कि हाउ टू प्ले डेड। मतलब झालू अगर मेरी छाती पे खड़ा होगा तो आपको लग रहा है मैं एक्टिंग करूंगा भालू से कि मैं तो मर गया और भालू ये छोड़ देगा तो चिल्लाओगे ना। हाँ लेकिन आपको हिम्मत चाहिए वही बचने के लिए, लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जाती है। हैं हिम्मत आ जाती है अपने आप। आप वो पिक्चर देखो ना रेवरेंट लियोनार्डो वाली। हाँ भालू उसको कितना मारता है। हाँ लेकिन वो फिर भी पड़ा रहता है जमीन को उल्टा। हाँ कि मैं मर गया हूँ और वो दर्द सहता रहता है। हाँ फिर भालू से थोड़ा चले जाता है तो वो बचता है। ठीक है कुछ चीजें मैं सिर्फ थ्योरी में सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिकल नहीं चाहिए उनका। ट्रेल में झाड़ी के अंदर एक ऐसा रास्ता था, वहां से निकल के देखो इधर आ गया गोल्फ कोर्स। मुफ्त का है भाई ये। गुड़गांव में अगर होता ना यहाँ एक बिल्डिंग बनती और ये एरिया बन जाता 40 करोड़ रुपए का एक घर। दोस्तों मैंने अभी इनसे पूछा कि इधर ये गांजा इतना हो गया लीगल क्या सीन है, तो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे उसके खिलाफ। कह रहे अरे एक रुपए का प्रोटेस्ट नहीं है, सबके सब खुश है। इनफैक्ट एक बार कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे तो बंदों ने कहा हम समझ रहे हैं वी अंडरस्टैंड, आप एक ड्रैग लो पहले, फिर उनको ही गांजा पिला दिया, तो वो भी फिर चेंज होके सपोर्टर के साथ जुड़ गए। ये बेस्ट तरीका प्रोटेस्ट रोकने का, आप ये माल ट्राई तो करो एक बार, आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा देश के खिलाफ। बॉस्टन शो के लिए आ गया और वेन्यू देख लो कितना ज़्यादा सुंदर वेन्यू, ब्यूटीफुल वेन्यू, और ऐसे क्लोज वेन्यू ना बहुत ज़बरदस्त, मतलब चलते तो है आज पता नहीं कैसे जाएगा बट सुपर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पुणे का जो वेन्यू होता है हमारे शोज का ना नेहरू मेमोरियल वैसा है, जबरदस्त। दोबारा ओके गाइस, इट वाज द सेकंड शो ऑफ यूएस टूर, वी परफॉर्मड इन बोस्टन टुडे एंड हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम। यो गाइस व्हाट्सअप, कल हमने करा डीसी का शो और बहुत ज्यादा मजा आ गया, जबरदस्त ऑडियंस आई थी भाई। और हम एक दिन एक्स्ट्रा रुके क्योंकि हमने बोला था डीसी बहुत सुंदर जगह है, तो ये देख लो एक डीसी में क्या जगह है अनुराग, द वॉर फॉर का जगह, यहाँ पे आए हैं। पूरा ऐसे वॉक्स है जुमेरा, अगर आप गए हो दुबई में जुमेरा बीच वॉक तो उस टाइप का है, उससे उसका 80% टाइप, बट प्रीटी कूल प्लेस। ऐसे सब ये सब रईस लोग क्या है यॉट्स लगे पड़े हैं ना, कितने कितने के होते हैं अनुराग, 10-12 करोड़ 10-12 करोड़ के, ज़्यादा के भी 10-12 करोड़ ज़्यादा के भी, कोई नहीं अगले टूर में निकाल लेंगे। इस पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पानी जो है एकदम हमारे जैसे काला पानी है, एकदम ही काला ही नहीं है, तो ये तो गंदा ही है, बस बदबू नहीं आ रही इसमें से, पता नहीं लोगों ने बदबू कैसे हटा दिया, पर प्रॉपर मतलब इट इज़ मेरे को लगता है पॉल्यूशन फ्री होगा, पर ये तो एकदम ही काला ही है। जो आपको दिखाता हूँ इस तरीके से अनुराग है, ये मेरे फ्रेंड है, वो वेलरी है, वो मेरी मैनेजर है, और मीनाक्षी भी मेरी फ्रेंड है, तो हम सब दोस्त घूम रहे हैं भाई। क्या जगह लग रही है, बढ़िया। अरे मैं कर लूंगा मैनेज, आप टेंशन मत लो। अरे मैं होश में हूँ, मैं तो दो तीन कॉकटेल में इतना कुछ नहीं हो रहा। काला क्यों पानी है यहाँ पे ना, इससे धुआं निकलता है। हाँ धुआं और वो पेट्रोल पॉलिश। दोस्तों यमुना नदी के साथ जो हमारे यहाँ होता है वो यहाँ भी हो रहा है दोस्तों, कहीं सोचे कि नहीं होता है, कहीं कोई सोचे कि विदेश एकदम ही सुंदर जगह है। एक सेकेंड ये देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट धीरे धीरे करके इसके अंदर घुसा जा रहा है, पर बाकी इसके अलावा बहुत सुंदर है। दोस्तों यूजुअली लोग वाशिंगटन डीसी आके लिंकन मेमोरियल और व्हाइट हाउस जाते हैं, वहाँ हम नहीं गए। तो आप किसी और की वीडियोस में देख लेना, हमारे पास तो यही है भाई। क्या सेलिंग हो रही है देख रहे हो, दूसरा फॉर्म फिर आ गया है, फिर पहले पुअर मैन का भी विकी कौशल नहीं है ये।
So guys, we performed in DC today. और भाई क्या ही मचाया है जनता ने आज इनका. इतने बंदे निक्कर में आए ना आज, इतनी मर्दों की टांगे देखी है मैंने फ्रंट पर. ये देख लो, ये इनकी तो निकले पीछे भी हुई थी शो के टाइम पे, कुछ यही दिली वाली थी दोस्तों. इसके गोटे दिखते दिखते बचे हैं मेरे को. बट थैंक यू सो मच दोस्तों. ये वाली गाड़ी बैठ रहे हैं राहुल भाई के साथ. ये देख लो, दिल की खता भी है क्या, दिल को पता भी है क्या. ये यूएसए की वाली फील नहीं थी तो क्या करा फिर. नहीं हाँ, नए बच्चों को नहीं समझ आएगा ये वाला गाना, हमें समझ आएगा ये दिल. ओके दोस्तों, 1 2 3 स्टार्ट. मजे होने वाले हैं. ए उतरी सर पे आएगा भाई, आएगा ना ऊपर फुल. क्या करे यार, अपनी दोस्ती रही इस लोगों के साथ है तो यार निकले पड़े फुल फन सीन्स. दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आइंस्टाइन का घर देखने. हाँ लोग जी, जो थोड़े थोड़े चित्र में जाए दिखते हैं. और राहुल, हम दिमाग लेने जा रहे हैं. और राहुल भाई हमारे साथ है यहाँ पे. स्कूल में कॉमर्स विद हिंदी ली थी, फिर मेरे का सोचो चलो आज आइंस्टाइन घर देख के आए. प्रिंसटन आए थे, सोचा था चिल विल करेंगे थोड़ा, पर बारिश बहुत तेज हो गई है तो आई थिंक वी विल जस्ट वॉच द हाउस एंड वी विल गो बैक. ये लाइट जल्दी है ना. तो ये रहा आइंस्टाइन का घर. पर ये इसका पेंट वेंट कैसे मैनेज्ड है अभी तक? अरे वो तो मेंटेन होता है, बका गया तो किसी कोई और बंदा रहता है. अच्छा कोई रहता है यहाँ पे? ओ मेरे को लगा वो म्यूजियम वगैरह. आइंस्टाइन यहाँ पे रहता था. आई डोंट थिंक जीजू ये म्यूजियम होगा मेरे ख्याल. आइंस्टाइन था ना, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. हां है ना. हां अरे बाप रे बाप, बिग बैंग थ्योरी बहुत तगड़ी जगह आ गए दोस्तों हम लोग तो. क्या ही बताऊं, मेरे को तो कॉमर्स विद मैथ्स बीच मैथ छोड़नी पड़ गई थी सेकंड सेमेस्टर में. ठीक है, दिस गुड थिंग. आप हंस क्यों रहे हो? खैर किस नल किस गधे को लेके आए हम, क्या दिखाने. नहीं हम दिमाग लेने आए. मिल जाओ भाई थोड़ा सा, थोड़ा सा मिल जाओ. क्या अरे बिल गेट्स के घर के बात करते हैं, जहाँ भी है भाई उससे नोट मांगते हैं ना, ये तो दिमाग देंगे नोट देंगे. टिकट्स टू, सॉरी गाइस, दिस इज अ म्यूजियम. कोई यहाँ रहता नहीं, इट्स अ म्यूजियम ओनली. सब आया भाई देखो. ओ भाई वो तो बारिश में आके फोटो खिंचा रहे हैं. वो देखो दो फोटो खिंचा रहे हैं भाई. भाई लड़के बारिश में फोटो खिंचा रहे हैं. मैं भी खिंचाया हूँ एक बार. जाओ खिंचाओ. क्या गिरे दोस्तों, मस्त. पीछे जो मेरे घर है आइंस्टाइन का घर है, बारिश में हम लोग यहाँ पे रुक करके फोटो खींच रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं. राहुल भाई वीडियो लेने आए. ठीक है, ये कुछ है दोस्तों, प्रिंसटन का वो है हेलो पब. ये हैपनिंग जगह है कि बस हम बारिश के चक्कर में जा नहीं पा रहे हैं. 1942 है, पब था पहले, अब आइसक्रीम की जगह बन चुकी है ना. पर ये कभी पब था भी कि इट वाज ऑलवेज बीन एन आइसक्रीम प्लेस. इट्स बीन एन आइसक्रीम प्लेस ओनली. या वी डोंट नो एक्चुअली. बट जीजू फिर पब नाम क्यों रखेंगे? क्योंकि तो दादू की जगह होती है, पार्लर वगैरह होता था ना पहले. नहीं पब वैसा पब नहीं है. अच्छा अभी भी देख लो बारिश में भी वेटिंग है थोड़ी. अरे यहाँ तो भाई लाइन लगी रहती है गर्मियों में बाहर. अभी दिन में बाहर तक यहाँ तक लाइन होती है. यहाँ तक हम मतलब बहुत अच्छी आइसक्रीम है इसकी, आपको खिलाएंगे भाई. वो जूतों का हिमाचल भवन कुछ लिया आप लोगों ने कि टाइम पास किया बस यहाँ? हैं तो आप क्यों आए फिर? सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप ही थे आने को. करीब से भाई इससे पहले एक दुकान में 35 मिनट लगा के आए, यहाँ पे 40 मिनट लग चुके हैं और लग नहीं रहा कोई कुछ खरीदने वाला है. अरे अब कुछ तो गलत साइज ही लेके चलो अब यहाँ से. कुछ तो करो. 5 लोगों ने 1 घंटे तक एसी का लिया है. दोस्तों मैं बताऊँ, ये कुछ नहीं है. कभी आप मंडी हाउस पे जाओगे ना, हिमाचल भवन में सेल लगती है बहुत बड़ी. ये वैसे ही माल है. मेरा भाई कह रहा फैक्ट्री आएगा जूतों की. साले स्टोर पे आया हूँ कह रहा फैक्ट्री में जाके माल खरीद रहे क्या है? ले रहे हो? अब प्रेशर में लेना पड़ेगा लग रहा है. एक तो मुझे 2 जूते बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे शायद पैर के साइज है ही नहीं यहाँ पे. मेरा UK 7 है. कॉन्वर्स भाई मेरे को ये वाला ना बड़ा पसंद आया. मैं बड़े दिन से पहना नहीं, पहन भी लेता. ये भी नहीं है और दूसरा ये अच्छा लगा था. इसका भी साइज़ नहीं है दोस्तों. ये नीड बेस्ड परचेज नहीं है, ये इंडियन कम्युनिटी की इज्जत रखने के लिए परचेज करी गई है कि अगर 1 घंटा दुकान में बिता चुके 5 लोग तो एक सामान तो लेके निकले. अच्छा लग रहा है आपको वैसे जूता? $20 मिले. यू हैव टू स्पेंड मोर मनी ओवर हियर.
भाई भट्टी में आ रखे हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मैं वैसे बता दूँ आपको, मैं इतना ज़्यादा दबा के नॉनवेज खा रहा हूँ ना यहाँ पे, मतलब मेरी बॉडी पूरी एक्सेप्ट कर चुकी है नॉनवेज को। आज मैंने सुबह वेज खाया है ढोकला, मेरा ना पेट पकड़ा पकड़ा लग रहा है हल्का। ये रहे यार दोस्तों, उनकी ड्राइविंग देखो गुड़गांव टाइप की है, देखो एक होता नहीं जो एक हाथ से स्टीयरिंग नीचे पर खींचता है। Once a गुड़गांव ड्राइवर, always a गुड़गांव ड्राइवर। कंफर्ट लेवल वाली नहीं होती ड्राइविंग गुड़गांव की, जैसे मैंने यहाँ देखा सब लोग हाथ दोनों चिपके रहते हैं स्टीयरिंग से, कहीं लेफ्ट राइट ना हो जाए। प्रॉब्लम क्या, ये सब चीजें बड़ी लगती नहीं है हमारे, ऑलरेडी सब इससे तगड़ा मिल जाता है, सब बढ़िया, मतलब एट पार मिलता है सब एकदम। नहीं नहीं बेटर मिलता, बेटर मिलता है इनफैक्ट, मैंने यही बता रहा हूं ना, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी वहां पे बहुत ज्यादा है ना, यहां पे सब डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं। जस्ट लेटिंग यू नो, हमने भी दोस्तों 20% डिस्काउंट के चक्कर में लिया $20 20 डॉलर और बिलिंग के टाइम पता चला अभी नहीं मिलेगा, अब जब अगली बार आएंगे तो $20 मिलेगा, तो तरीका भी ढूंढ लिया। तो अब ये लोग वीगन इंडियन स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हिरन तो ऐसे दिखते जैसे इंडिया में कुत्ते नहीं दिखते, नहीं रेनडियर में दिखाया ना परसों जब हम आ रहे थे, बारासिंगा था यहाँ पे पूरा बड़ा वाला। हाँ तो मैंने उसको बोला दोस्तों इन लोगों ने रेस्टोरेंट को मेरा वीडियो दिखा दिया। हाँ हाँ यू लाइक द वीडियो, विच वन दिखाओ, वीडियो दिखाओ ना एक बार, कौन सा एक बार वीडियो दिखाओ। ये देखो मेरा ये वाला, अरे वेरी बैड वीडियो, डोंट वॉच। ओके सेम गाय सेम इट्स मी। कौन है दिखा, दिस टू इयर्स अगो, मोर हेयर मोर हेयर। आई गो टू टर्की वेरी सून एंड गेट दिस बैक। Yeah. Okay, guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel. Next vlog is going to be out within 1 week. Okay, अब एक हफ्ते का टाइम लेंगे, हफ्ते पक्का हर हफ्ते व्लॉग डालेंगे एक। भाई मैं रूम में रुका हूँ आज, ये देखो शोकर ने आया और रूम से क्या व्यू है अभी, एक्चुअली ना बारिश हो रही है तो इस पर ऐसा आ रखा है ना लेक है सामने, इट्स ब्यूटीफुल। विल मेक अ व्लॉग ऑफ दिस रूम ऑल्सो, सी यू गाइस।